अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी किस तरह से गिग्स वर्क करते हैं पीपल पर आवर के ऊपर, या ऑफर्स उन्हें कह सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से आप गिग्स या ऑफर क्रिएट कर सकते हैं पीपल पर आवर पे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरह से आप ऑफर या गिग बना सकते हैं पीपल पर आवर पे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से उस ऑफर या गिग के लिए आप थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पोस्ट ऑफर। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस के ऊपर ले जाएगा। इस तरह पे यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होंगी अपनी सर्विसेज के अबाउट। तो इससे पहले एक छोटा सा काम हमें करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे गिग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि वो सर्च इसके अंदर अच्छे से अपीयर हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक और टैब खोला हुआ है पीपल पर आवर के ऊपर ही, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना सर्च फॉर फ्रीलांसर्स। यहाँ पे आप किसी को हायर करने नहीं जा रहे, बल्कि आप एज अ बायर की तरह देख रहे हैं कि बायर अगर सर्च कर रहा है और तो वो सर्च और फ्रीलांसर करेगा। और यहाँ पे जो इंटरफेस उसके सामने ये सर्च इंजन नज़र आएगा, इसके ऊपर जो भी क्वेरीज लेटेस्ट शो हो रही होंगी वो बायर की तरफ से होंगी, ना कि सेलर्स की तरफ से। तो आपने वो वाले कीवर्ड्स यहाँ से निकालने हैं। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं। लेट्स सपोज मेरी सर्विस है वर्डप्रेस, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा वर्डप्रेस। पर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा वेट करने वाला है, ड्रॉप डाउन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। आप इसी तरह अपने जो सर्विस है उसके रिलेवेंट यहाँ पे कीवर्ड टाइप करके इन कीवर्ड्स में से जो भी आपको कीवर्ड्स अच्छे लगे वो आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो हाईली टारगेटेड कीवर्ड नज़र आ रहे हैं वो है वर्डप्रेस डिज़ाइन और वर्डप्रेस डेवलपमेंट, राइट। तो ये दोनों कीवर्ड्स मैं पहले ही उठा चुका हूँ और यहाँ पे मैंने इनको रख लिया, राइट। ये टाइटल बना लिया और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर दी, राइट। तो अब हम चलते हैं वापस मेन काम की तरफ। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना मेन टाइटल शो करवाना है, जो कि मैं ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने दोनों कीवर्ड्स यहाँ पे टारगेट किए हुए हैं, वर्डप्रेस डिज़ाइन और वर्डप्रेस डेवलपमेंट। इस तरह से आप और कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं क्योंकि बेसिक्स ही कर रहा हूँ, आप लोगों को जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा और अच्छे से और डीप रिसर्च कर सकते हैं और अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपकी सर्विस को बेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मैं इसके लिए £100 चार्ज करूँगा। इसने ये ऑटोमेटिकली डॉलर और यूरो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमाइज प्राइस आप शो करें, मतलब £100 डॉलर में यूरो में अगर चार्ज करें तो इतने हो और इसमें हो तो इतने हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इसकी प्राइजेस चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर यूरो में चार्ज करूँगा तो वो 150 होगा, और सॉरी डॉलर में चार्ज करूँगा 150 होगा, और यूरो में चार्ज करूँगा तो 160 चार्ज करूँगा, राइट 160। तो इस तरह से मैंने टाइटल सेटअप किया। उसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मैं ये सर्विस कितने दिनों के अंदर डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 दिन के अंदर, और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी यहाँ पे कैटेगरी है टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर सब कैटेगरी मेरी है CMS डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा गिग्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक से ज़्यादा गिग्स ही लगाएं। किसी के ऊपर आप ये CMS डेवलपमेंट चूज़ कर लें, किसी के ऊपर वेबसाइट डेवलपमेंट चूज़ कर लें, या अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज चूज़ कर लें, ताकि दोनों कैटेगरीज में आपकी गिग के अपेयर होने के चांसेस बढ़ जाएँ, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा CMS डेवलपमेंट, और यहाँ पे टैग्स ऐड करूँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, यहाँ पे अपनी सर्विस के रेलिवेंट आप लोगों ने टैग्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पे जो टैग्स ऐड करने हैं वो आप यहाँ से कीवर्ड्स भी निकाल के ऐड कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे इसी तरह से ही ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें वर्डप्रेस डेवलपमेंट, फिर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिख देता हूँ अगेन, और यहाँ पे देखें वर्डप्रेस डिज़ाइन, फिर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, और यहाँ पे देखें वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट अगेन एंड वेबसाइट डिज़ाइन, और फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ अगेन वेबसाइट, और यहाँ पे सजेशंस में मुझे कुछ अच्छे से जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने चूज़ कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमें अपलोड करना है एक थंबनेल। अब थंबनेल हम किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास कैनवा है, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे और कस्टम साइजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें हमारा जो साइज़ होना चाहिए वो थंबनेल का इतना होना चाहिए, 1200x800। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 1200x800, राइट, और यहाँ पे कुछ इस तरह से
मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कर ली है, अब यहाँ के लिए हम थंबनेल बनाएंगे। अब थंबनेल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखें इन जितनी भी सर्विसेज लगी हुई हैं इनके ऊपर ये एक पिक्चर लगी हुई है जो मेन पिक्चर है, इसको हम थंबनेल कहते हैं। इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से आ चुके हैं और हमारे पास ये कैनवस शो हो गया, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स भी शो हो गई हैं, बट इन टेम्पलेट्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं क्विकली एक अच्छा सा थंबनेल बना लेता हूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड सेट कर लेना है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैं यहाँ से कोई ग्रेडियंट चूज़ कर लेता हूँ या नॉर्मल पिक्चर, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लिया। बैकग्राउंड कलर चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास मैं इन शेप्स को चूज़ करूँगा थोड़ा सा। तो मैं इस शेप को ज़रा इधर ले आता हूँ, इसको इस तरह से सेटअप करके, और एक्चुअली और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको सेंटर में ले आता हूँ, राइट। तो कुछ इस तरह से मैं इसका कलर यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मैं कर लेता हूँ राइट नाउ वाइट, राइट। और इसके ऊपर मैं फिर क्या लिखता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेके आया हूँ और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे स्टाइल्स में टेक्स्ट हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इन स्टाइलिश या फंकी टेक्स्ट को यूज़ ना करें, बिल्कुल सिंपल और प्लेन टेक्स्ट यूज़ करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, एक टेक्स्ट है पॉपिंस, सर्च किया मैंने और यहाँ पे हमारे पास ये पॉपिंस आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट शो हो जाएगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरह से कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, और इसका साइज़ मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिख लिया बेसिक सा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे अगेन पेस्ट कर दिया और मैं इसको नीचे ले आऊँगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट, या सिंपल इधर मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरह से शो करवा देता हूँ। थोड़ा छोटा मुझे इसको करना पड़ेगा, ओके। तो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसको मैं सबको सिलेक्ट करके थोड़ा और नीचे ले आता हूँ और इस वाली जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से शो करवा देता हूँ ताकि ये अच्छे से नज़र आए, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए और यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ये एक सेंटर और मैं इसको सर्कल को सॉरी इधर ले आऊँगा, इस सर्कल को थोड़ा सा वाइड करके कुछ इस तरह से, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे अगेन वाइट, राइट। और इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स में आता हूँ। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये फ्रेम्स मौजूद हैं, इस फ्रेम को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। ये फ्रेम यहाँ पे आ गया, मैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से, और ये मेरी पिक्चर थी, ओके। इस पिक्चर को मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी पिक्चर जो है अच्छे तरीके से सेटअप हो चुकी है। और यहाँ पे अब मैं अगेन एलिमेंट्स में आता हूँ। एलिमेंट्स में आने के बाद अगेन मैं इसी वाले एलिमेंट को चूज़ करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेटअप कर लेता हूँ, ओके। और इसको मैं अगेन वाइट कर लेता हूँ या फिर इसको मैं थोड़ा ब्लैक शो करवा देता हूँ, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो मैं कुछ इस तरह से अगेन पॉपिंस लेता हूँ और पॉपिंस का जो टेक्स्ट का कलर है उसको वाइट करके कुछ इस तरह से शो करवाता हूँ। और इसके अंदर लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ या कैपिटल्स में लिख देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से, और इसको मैंने सेंटर में ले आया
सेंटर में लाने के बाद इसकी मैं जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा, और इसकी जो लेफ़्ट एंड राइट साइड है वहाँ से थोड़ा सा गैप दे दूँगा ताकि अच्छे से शो हो। अब मैं इसको ले आऊँ इधर लाने के बाद, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर नाउ। इसको मैं थोड़ा और मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया राइट। और इसके ऊपर मैं एक और इस तरह की एक लेयर लेता हूँ थोड़ा सा 3D फील देने के लिए, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से ला के सेट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है वो कम कर दूंगा, और कुछ इस तरह से हमारा थंबनेल जो है वो रेडी हो चुके हैं राइट। तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा सिंपल इस तरह से, और ये PNG में ही रहने के बाद उसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो चुका है। सिंपल हम यहाँ पे आएंगे और पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सर्च करता हूँ रीनेम में वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं अपनी सर्विस के रिलेवेंट को यहाँ पे इस तरह से ऐड करके इसको रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद अगेन यहाँ से ब्राउज करना है और अपना जो थंबनेल है वो यहाँ पे अपलोड कर देना। ओके जी, तो हमारा थंबनेल यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे देखें क्रिएटिंग थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखें हमारा थंबनेल जो है वो लग चुका है। अब इसके ऊपर आप और भी इमेजेस डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस ऑफर को, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन इमेज शो हो रही है जो कि ये है ठीक है। उसके बाद और इमेजेस शो हो रही हैं एज अ पोर्टफोलियो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और इमेजेस डाल सकते हैं। मैं अपने केस के अंदर यहाँ पे और इमेजेस डाल देता हूँ वही जो मेरे पोर्टफोलियो में, या कोई आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इनको चूज़ करके यूज़ कर लेता हूँ, और ये मैंने अपलोड कर दी। तो यहाँ पे देखें क्रिएटिंग थंबनेल्स शो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहली इमेज आप चूज़ करेंगे वो आपकी इस तरह से सबसे पहले शो होगी, और बाकी इमेजेस इस तरह से बाद में शो होंगी इस तरह से राइट। तो हमने बाकी सारी इमेजेस यहाँ पे शो कर दी ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे हमें डिटेल डालनी है अपनी सर्विस की। तो मैं यहाँ पे मैंने डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं ठीक है, और यहाँ से मैं नाम चेंज करना भूल गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तौसीक सीनियर प्रोडक्ट डेवलपर एंड सो ऑन। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी पूरी सर्विसेज आ गई। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ इस तरह से ड्रैग करके यूज़ कर लेता हूँ, और एक्चुअली इस वाले सेक्शन को या कोई एक सेक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ नीचे वाले सेक्शन में डाल देता हूँ कुछ इस तरह से राइट। और यहाँ पर देखें अर्न एक्स्ट्रा मनी। लेट्स सपोज आप एक ऑफर कर रहे हैं कि आप वेबसाइट पूरी डिज़ाइन करके देंगे £100 के अंदर। अब इसके साथ आप कह रहे हैं कि मैं आपको क्या करके दूंगा, बेसिक SEO या SEO का प्लगइन सेटअप करके दूंगा, तो वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा उसके चार्ज कर सकते हैं। आई कैन सेटअप रैंक मैथ प्रो विद प्रॉपर सेटिंग्स ठीक है, और इसके लिए आप क्या चार्ज कर सकते हैं £30 या कुछ भी जो भी आपका दिल करे ठीक है। और यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया ये, इसके अलावा आप और भी एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं। व्हाट यू नीड फ्रॉम द बायर टू गेट स्टार्टेड, लेट्स सपोज मेरे केस के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मुझे जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा वर्डप्रेस लॉगिन्स और cPanel लॉगिन्स ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी, और यहाँ पे मुझे चूज़ करना होगा कि मैं रिमोटली काम करूँगा या ऑन साइट, मतलब बायर से मिल के काम करूँगा या रिमोटली। अब हमारे केस के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो हमारे केस में ये रिमोटली ही होगा, तो मैंने इसको रिमोटली सिलेक्ट किया और इसको आर कन्फर्म करके पोस्ट ऑफर कर दूँगा राइट। और यहाँ पर देखें तो टाइटल शुड भी मैक्सिमम 64 करेक्टर्स। अब यहाँ पर मैंने ज़्यादा करेक्टर्स यूज़ कर लिए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले कीवर्ड को हटा देता हूँ।
I can do WordPress design, या इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस वेबसाइट, राइट, फॉर योर बिजनेस एक्चुअली, और यहाँ पे मैं अब इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो ऑफर है वो कुछ इस तरह से शो कर रही है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें दे रहा है कि आप इसको अपनी जो गिग है उसको प्रमोट कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के। तो यहाँ पे उन्होंने रेट्स डिफरेंट बताए हुए हैं, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आप अपने गिग को प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को शो हो, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के £19.7 के लिए दे के आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, आप जस्ट इसको सिंपल स्किप करें और ये नेक्स्ट क्या होगा, आपका जो गिग है वो कंप्लीट हो चुका है और ये आपका यूआरएल है उस गिग का। इस गिग को आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। अब हम अपनी जाते हैं प्रोफाइल के अंदर और देखते हैं कि जो ऑफ़र हमने क्रिएट की थी वो शो हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखें वन ऑफर्स, और इस तरह से हमने एक अच्छी सी ऑफ़र क्रिएट कर ली। इसको ओपन करेगा जब बायर तो कुछ इस तरह से उसको सारी डिटेल्स शो होंगी, राइट, कुछ इस तरह से उसको सारी डिटेल्स शो होंगी। और यहाँ पे देखें आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर आप कोई इशू है इसके अंदर तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें उसी तरह से हमारी जो इमेजेस हैं वो शो हो चुकी हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आपने एक अच्छा सा गिग बनाना है या ऑफ़र क्रिएट करनी है और किस तरह से उसके लिए एक परफेक्ट थंबनेल डिज़ाइन करना है। थंबनेल डिज़ाइन करने के बाद किस तरह से वो सारी सेटिंग्स और किस तरह से वो सारा गिग क्रिएट करना है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।